बलरामपुर जिले के ब्लॉक वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत भगवानपुर के आश्रित ग्राम जुगनी कुडाकू पारा देश आजाद होने के बाद भी आजादी से पहले बसे कुडाकू के पुत्रों और नातियों को शुद्ध जल पीने को नसीब नहीं हो पा रहा। अभी भी लगभग 15 घरों में बसे कुडाकू नाला में गड्ढा खोद कर लगे प्यास को बुझाने को मजबूर है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गंदे पानी को पीकर बरसात के दिनों में बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाने के लिए सही ढंग से रास्ते भी नहीं है। जंगली जड़ी बूटी खाकर बीमारी को दूर भगाते हैं। अभी तो बीमारी के साथ साथ महामारी फैल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में पानी के लिए तरसना पड़ता है, गंदे पानी को पीकर ही प्यास बुझानी पड़ती है। गर्मी के दिनों में भी नाला सूख जाने पर दर दर भटकना पड़ता है और दूर से पानी लाकर प्यास बुझाई जाती है। ग्राम पंचायत भगवानपुर सरपंच के द्वारा उच्च अधिकारियों को लिखित आवेदन देने के बाद भी अभी तक शुद्ध जल पीने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा एक नलकूप खनन तक नहीं कराया गया, जिससे मजबूर होकर पहाड़ी में बसे कोड़ाकू को जाति के लोगों ने नाले का पानी पीकर उपयोग कर जीवन बसर किया जा रहा है। उससे टेंशन नहीं है, गाड़ी भेज। आपका पार्वती यहाँ ग्राम पंचायत भगवानपुर की सरपंच। हाँ, सरपंच आपके ग्राम पंचायत में हमने आया था। हाँ। तो देखा कि महिलाओं द्वारा नाला का पानी पिया जा रहा है ढोड़ी बना के। इस पर आपके द्वारा कहाँ कहाँ आवेदन दिया गया है? अरे कई बार आवेदन तो लगाए थे पर नहीं आया था। कहाँ कहाँ? सीओ के पास आवेदन दिया गया है? हाँ। और पंचायत द्वारा प्रतिवेदन भी दिया हाँ। गया होगा? अभी तक उच्च अधिकारी द्वारा कोई सुनाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं किया गया है? नहीं। कितने घर हैं वहाँ? 15-20 घर हैं। 15-20 घर? हाँ। कितना जनसंख्या होगा? 200। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ग्रेगोरी कुमारिया है। यहाँ कितना साल से रह रहे हैं आप लोग? मैं यहाँ इसी गांव में जन्म लिया हूँ मैं बचपन से। तो यहाँ आपके पिताजी निवास किए? बाबा? मेरे बाबा। बाबा जी, तो क्या समस्या है? सर हम लोग के यहाँ पानी और बिजली की समस्या है। पानी कहाँ से पीते हैं आप? नदी से पीते हैं। नदी है या नाला है? नदी है, छोटा नदी है, उसमें पानी भी गर्मी के समय में अट जाता है और उसमें एक प्रकार से खुदाई करके वहाँ का पानी को हम लोग पीते हैं जी। तो सरपंच के पास आप लोग कुछ नहीं बोले? बोले लेकिन कई बार बोलने के बावजूद भी मतलब ऊपर से कोई सहायता राशि ही नहीं मिल पा रहा है सर। तो